और आज मीनाक्षी जी बिल्कुल भी मूड नहीं दोस्तों ब्लॉग बनाने के मूड में, तो पता ही नहीं आज वो काम ज़्यादा है, बिजी है। तो मैं आज अकेला आप सभी को हमारा ब्लॉग दिखा रहा हूँ दोस्तों, विलेज ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। गाइस गुड इवनिंग, आप सभी का मीनाक्षी ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। और आज मीनाक्षी जी क्या सुधारी, दाल सुधार दोस्तों, उड़द की दाल छिलके निकाल के, और क्या पापड़ बनाएंगी ना। तो कल हम जाने का सोच रहे गाइस, कल मीनाक्षी जी के साथ मशीन से बनाने वाले हैं पापड़। और इधर क्या रहे निधि, उधर से आए थे, इधर आ, इधर आ, चलते ऐसे काम। इधर तू नहाया क्यों, तेरी हालत देख करके खराब हो गई। पानी नहीं बनते, नल नहीं चल रही क्या वो वाले? हाँ और नल बंद है यार, नल नहीं चालू है आज, पानी नहीं ना। मीनाक्षी जी बहुत काम कर रही है यार आजकल, दाल सुधार रही है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों कैसा लग रहा है, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ये मूंग की दाल देखिए दोस्तों, मूंग की दाल सुखाए थे हमने, और पानी भी इधर ज़्यादा, मौसम बना रहा गाइस, इसलिए कपड़े थोड़ा निकाल दिया क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो रही है ना गाइस। आप देख सकते हो इधर पूरा काला काला बादल हो चुका है, इधर तो पानी आने की संभावना है, तो हवा भी थोड़ी बंद हो चुकी है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा दोस्तों, हरा भरा। चिल्लाए क्यों जा रही है तो उसको क्यों डांट रही बेचारी को? दाल मत फेंक रहे, आराम से उठाओ। तेरी मम्मी काम क्यों बढ़ा रहे तुम लोग? मतलब निधि तेरे को नहीं आएगा, निधि तेरे को नहीं आएगा, दाल उठाते रहे, इसको उठाने दे। मीनाक्षी जी तो आज बिल्कुल बात नहीं कर रही है, क्या बात है? अरे बात करूंगी तो ये सुधरेगा नहीं क्या? नहीं होएगा ये दाल सुधार रही तो मैं तो बात भी कर ले, दाल सुधार ले। नहीं रे नहीं बात करती मैं। तो दोस्तों आज मीनाक्षी जी ब्लॉग बनाने के मूड में नहीं है, और इधर बच्चे तो आराम से खटे बैठ चुके हैं। और मैं और देखो आज हम नहाने वाले थे निधि के साथ, और नल भी आज बंद हो चुके, नल भी चालू है ना। कहाँ जा रही है वो, उधर किचन में कहाँ जा रही है? डब्बा लेने, क्या करेंगे उस डब्बे को? ये चिड़िया देखो दोस्तों, हमारे यहाँ गैलरी के सामने यहाँ पे चिड़िया ने घोंसला बना दिया, इसमें पीछे है क्या? अंडे रखी थी ना, हाँ। चिड़ी निकाल ली होंगी शायद, अंडे इसमें, अंडे देखे क्या घोंसले में? अरे छोटे से अंडे है, दो तीन है, दो है। नहीं नहीं हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, नहीं नहीं पीछे नहीं निकालेंगे छोटी चिड़ी। वो देख चिल्ला रही किधर से, देखा? हाँ अरे ये केला का जाल बड़ा क्यों हो रहा है अभी, धीरे धीरे बढ़ोगे ना। देखो गाइस इस दिन को मैं बहुत दूर से लाया था केले को, दो तीन किलोमीटर दूर से लाया था, हमारे यहाँ से एक जंगल में गया था वहाँ से लाया था। अरे बड़ा हो रहा केले, तुम फिर केले खाना अपने घर के यहाँ। दो ही चार लाया था दोस्तों में, दो ही जिंदा है अभी तक, बाकी सब मर गए, कीचड़ भी ज़्यादा है इधर। ये पूरा चारा खा रही है बेस के सामने सब चारा। अच्छा क्या यार, पूरा काम आ गया ना यार, अभी देखो तो गाइस ऐसा करना पड़ा हमको ये चारे को। ये जो बेस है ना दोस्तों ये खाती नहीं, सब मुर्गियाँ पका देती है इसको, इसको इकट्ठा कर दो चारे को, फिर इसको खिला देते हैं अपन। सो गाइस हमने बेस का चारा इकट्ठा कर दिया है। और तो कपड़े के नल चालू है, नहा रहे क्या? और इधर देखो दोस्तों नल चालू हो चुकी है अपनी, नल आ गई है, पानी नहा ले निधि भी नहा ले। मीनाक्षी जी का काम हुआ कि नहीं? बहुत काम कर रही है अभी भी है। हमें अपना पूरा ब्लॉग दिखा के आ गया क्या? हमें बाहर का अंगड़ा ये लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। ए, क्या कराती हुआ? क्या यार गर्मी बहुत हो रही है आज तो, नहाना तो पड़ेगा, नल भी आ गई ना। आज खेत में जाना वाला था पर अभी 5:30 बज गई, तो अभी क्या खेत में जाऊंगा, सबरे जाऊंगा ना, फिर 5 बज गई, फिर 5 का समय आ गया ना, फिर आज खाने में क्या बनाऊं? 4:30 हो गए रे, 5 नहीं बजे। आज खाने में क्या बनाएंगे तेरे को पता ना? तेरे को जो पसंद आए वो बना दे खाने में। मुझे क्या बनाएंगे? दाल रोटी बना देना, क्या खाएंगे अपने पास से, क्या खाने के लिए दूसरा कुछ नहीं है, दाल रोटी है बस, दाल रोटी बनाएंगे ना।
चलिए गाइस, हमारा ब्लॉग कैसा लगा मीनाक्षी जी के साथ बोल देना। और आज मीनाक्षी जी बिल्कुल भी मूड नहीं दोस्तों ब्लॉग बनाने के मूड में, तो पता ही नहीं आज वो काम ज़्यादा है, बिजी है। तो मैं आज अकेला आप सभी को हमारा ब्लॉग दिखा रहा हूँ दोस्तों, विलेज ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और बने रहो अपने ब्लॉग में। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय कर दे दोस्तों। थोड़ा सपोर्ट दिखा यार हमारे विलेज लाइफ को लिए यार, तो बाय बाय। क्या मक्खी से बिन बिना रही मक्खी तेरे पर?